And in this class, we are going to start with appendicular skeletal system. ठीक, appendicular system. लेकिन appendicular से पहले हमारे पास क्या है, देखो हमने एक तो spinal cord, और spinal cord के अलावा जो हमारा rib cage है उसको थोड़ा सा detail में पढ़ना है. ठीक, तो उसे हम देखेंगे पहले. देखो मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम शो करता हूँ. मैंने कल आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई थी. स्पाइनल कॉर्ड हम लोग थोड़ा देखते हैं, जस्ट अ मिनट. दिस इज द डायग्राम विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इज द डायग्राम विजिबल? यस सर. देखो इन द लास्ट क्लास एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सर्वाइकल थोरेसिकल लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं. और वर्टिब्रल कॉलम्स के अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है वो ये वाला है. ये जो बीच वाला, बीच में ये जो लाइन आ रही है, दिस इज द मेन स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इन द मिड. ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम्स एक्चुअल में क्या काम करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने का काम करते हैं. ठीक है, ये इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक, स्पाइनल कॉर्ड को, एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये बीच वाला पोर्शन, दिस, ये जो लाइन आ रही है, जो हमारी ये न्यूरल कॉर्ड आ रही है, इस न्यूरल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है. ठीक, तो एक्चुअल में जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद रिब केज. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, रिब केज. जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द डायग्राम हियर. Is the diagram visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, now look at the diagram. देखो, is according to our rib cage. Rib cage बना होता है किस किस से? Rib cage में हमारे कुछ structures participate करते हैं, जैसे कि ribs participate करती हैं. पहला, ribs participate करती हैं. ribs के अलावा sternum and vertebral columns. अब vertebral columns का क्या connection है हमारे ribs के साथ? देखो क्या होता है, हमारे जो ribs हैं वो पीछे से attached रहती है. हमारी body के दो region होते हैं, एक तो ventral region और एक dorsal region. हम ventral region कौन से region को consider करते हैं? अगर मान लो हमारे पास ये एक individual है, ठीक है, क्या ये एक individual, क्या ये man, आदमी. ठीक है, ये इसके हाथ हो गए, ये इसकी बॉडी हो गई. सही लग रहा है? Yes, sir. है ना, तो ये इसका बैक वाला पोर्शन हो गया, कमर वाला, वेस्ट वाला पोर्शन, वेस्ट. ठीक, और ये इसका स्टमक वाला रीजन है, स्टमक आगे वाला. ठीक, अब क्या होता है, जो हमारा वेस्ट वाला रीजन है, कमर वाला, ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वी कैन से द डोर्सल रीजन. डोर्सल रीजन, ठीक, डोर्सल रीजन जहां पीछे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, और स्टमक वाला पार्ट जहां पे हमारी ये जो चेस्ट आ जाती है, यहाँ इस वाले चेस्ट वाले रीजन में, यहीं पे हमारी रिब्स प्रेजेंट होंगी, सारी रिब्स प्रेजेंट होंगी. बीच में स्टर्नम आ जाएगा. दिस रीजन इज कॉल्ड द वेंट्रल रीजन. दिस इज कॉल्ड वेंट्रल रीजन. तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो वेंट्रली अटैच रहती हैं स्टर्नम से. वेंट्रली अटैच किससे होंगी? स्टर्नम से. This part is the sternum. This is the sternum. ठीक, तो sternum से ribs किस तरह से attached हैं? Ventrally attached हैं. और spinal cord से कैसे attached हैं? पीछे पीछे की तरफ आ जाएगी spinal cord. ये हमारी spinal cord है. तो ribs are attached dorsally. Dorsally attached. ठीक, dorsally attached ribs. How many ribs are there in human body? हमारे अंदर ribs जो होती हैं, there is 12 pairs of ribs are present. 12 pairs. 12 pairs ribs. जिनमें एक हमारी ये free वाली जो है, बीच वाली जो है, ये sternum आ जाती है, जो इनके बीच connection establish करती है. ठीक, apart from that, ribs के दो parts होंगे. एक तो हमारा bone वाला part, ये वाला part जो है, ये हम देख रहे हैं, this is the bone वाला part.
एंड ये जो ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ये अलग है, ये रेडिश है, थोड़ा सा रेड है कलर में, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हल्का डिफरेंट है कलर में। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है। ये किससे बना है? कार्टिलेज से। और कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन्स होती है ना, सॉफ्ट बोन्स। और किस तरह का कार्टिलेज है? इस कार्टिलेज का नाम है हाइलिन कार्टिलेज, नेम इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, तो पीछे डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है सारी रिब्स हमारी। और कौन से वर्टेब्रल कॉलम से अटैच रहती है? थोरैसिकल वर्टेब्रल कॉलम से। कौन से? थोरैसिकल। थोरैसिकल वर्टेब्रल कॉलम से सारी रिब्स अटैच रहेंगी, आगे से स्टर्नम से। अब क्या होता है, हमारे रिब्स में थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। ठीक, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जो स्टार्टिंग की 7 रिब्स होती है, मतलब स्टार्टिंग के जो 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, यहां से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहां से लेकर यहां तक के जो 7th पेयर्स होंगे, 7 पेयर्स होंगे, दीज 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे इन्हें? ट्रू रिब्स। ठीक, इस ट्रू रिब के बाद जो 8th, 9th और 10th नंबर की रिब्स होंगी, मतलब 8th, 9th और 10th, ये तीनों कैसी होंगी? ये तीनों रिब्स कहलाती हैं हमारी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, फॉल्स बोले तो झूठी, फॉल्स फॉल्स रिब्स। और इसके बाद बचती है हमारी 11 और 12, ये दोनों कैसी होती हैं? ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है 11th और 12th पेयर को, क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं होती, ये डॉर्सली अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से, लेकिन वेंट्रली किसी भी रिब से या फिर हम कह सकते हैं स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये फ्री है आगे से। ठीक, तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली कंसीडर करें तो ये कुछ इस तरह से है कि पीछे से ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम आ गई। ठीक, वर्टेब्रल कॉलम से तो अटैच नहीं है इस तरह से, लेकिन आगे से कैसी है? फ्री है, ये आगे से फ्री है, इस तरह से है ये दोनों पेयर, इस तरह से है ये आगे से फ्री है, लेकिन वर्टेब्रल कॉलम से ये पीछे से अटैच्ड है। ओके, इज इट क्लियर? यस। हाँ, सो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें रिब्स को या रिब केज को, तो अगर हम लिखें इसमें रिब्स, ठीक, सो रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे पास कितने टाइप की रिब्स होती हैं? 3 तरह की रिब्स होती हैं। देयर इज 3 टाइप ऑफ रिब्स। फर्स्ट रिब्स जिन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। दूसरी आ जाती है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। और थर्ड आ जाती है हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, ट्रू रिब्स में स्टार्टिंग के फर्स्ट फर्स्ट टू 7th पेयर आ जाएगा। ठीक, फॉल्स रिब्स में 8th, 9th और 10th पेयर आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में ये 11th एंड 12th पेयर आ जाएगा, 12th पेयर। ठीक, ये वाली जो रिब्स होंगी ये डोर्सली भी अटैच्ड हैं। किससे? डोर्सली अटैच्ड हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली अटैच्ड हैं स्टर्नम से, स्टर्नम। ठीक, दीज आर आल्सो अटैच टू डोर्सली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली अटैच टू 7th रिब, मतलब कि जो हमारी 7th रिब होती है ये उसमें मतलब मर्ज हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इस वाले पोर्शन में ये 7th वाले रिब के साथ में मर्ज हो चुकी है, ये देखो मिल रही है, मिक्स हो रही है एक साथ, ये मिक्स हो चुकी है। ठीक, तो ये वेंट्रली मिक्स हो जाती है 7th पेयर के साथ में। ये वाली रिब्स जो है हमारी फ्लोटिंग रिब्स, ये डोर्सली तो अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से, और वेंट्रली ये अटैच नहीं है, दीज आर फ्री। ठीक, Is that clear, everyone? Yes, sir. ठीक है, आगे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अपेंडिकुलर सिस्टम या अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आ जाता है? As we know that in this we have limbs only. लिम्स, लिम्स आर 4 लिम्स। 4 लिम्स बोले तो हाथ, हैंड है ना, हैंड, एंड हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स मीन्स लेग, आपका पैर वाला पार्ट। ठीक, तो ये दोनों आपके आ जाएंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बोन्स, हमने बोन्स पहले ही डिस्कस कर ली थी कौन कौन सी बोन्स आएंगी। ठीक, हाइंड लिम्स में और
फोर लिम्फ में ऊपर से स्टार्टिंग होती है क्लेविकल एंड स्कैपुला से. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर लिम्फ. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोर लिम्ब. अगर हम फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एक ट्रायंगुलर शेप बोन प्रेजेंट रहती है. सबसे पहले तो ऊपर ट्रायंगुलर शेप बोन्स, इस ट्रायंगुलर बोन के साथ में एक और बोन अटैच रहती है जो इस तरीके से होती है, लॉन्ग बोन, और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंशन प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इस एक्सटेंशन के साथ में हमारी एक बोन प्रेजेंट रहेगी जिसे हम कहेंगे यूमरस. क्या बोलेंगे? यूमरस. ठीक, यूमरस के साथ में दो बोन्स यहाँ पे आके अटैच होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेडियस. रेडियस अलग है और अल्ना अलग है. रेडियस और अल्ना, ये दो बोन्स यहाँ पे अटैच रहेंगी. रेडियस और अल्ना के साथ में यहाँ पे टार्सल्स, फिर पाम बोन्स आ जाएंगी, मेटा टार्सल्स, पाम बोन्स, और फिर लास्ट में हमारी फैलेंजियस की डिजिट्स आ जाएंगी, कुछ इस तरह से. ठीक, फोर लिम्ब में कार्पल्स नहीं होते हैं? हाँ सॉरी, फोर लिम्ब की बात चल रही है, जस्ट अ मिनट, सॉरी. ठीक, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कार्पल्स, मेटा कार्पल्स एंड फैलेंजियस. दिस बोन इज कॉल्ड क्लेविकल, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल, दिस इज क्लेविकल एंड दिस इज स्कैपुला. अरे जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज इट. दिस लॉन्ग बोन इज द क्लेविकल. क्लेविकल को एक और नेम दिया गया है कि कॉलर बोन, इसे क्या कहा जाता है? कॉलर बोन. ठीक, दिस बोन इज द स्कैपुला, स्कैपुला. ठीक, दिस इज यूमरस, यूमरस. दिस इज अल्ना एंड दिस वन इज रेडियस, रेडियस. हियर इज कार्पल्स एंड देन पाम बोन, मेटाकार्पल्स एंड देन फैलेंजियस, फैलेंजियस. As we have discussed all about the number of bones, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो clavicle है, clavicle को girls में beauty bone कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसे? Beauty bone. Beauty bone. ठीक, males में कुछ नहीं कहते, males में collar bone ही कहते हैं इसको, क्योंकि जब हम shirt पहनते हैं तो collar कहाँ आता है? इस clavicle के पास में आता है. ठीक, that is why this bone is called collar bone. अगर हम इसका diagram देखें so it will something looks like this. Just a minute. So as you can see this diagram, so is that visible to all of you? No sir. Is the diagram visible? So, देखो ये हमारी स्कैपुला आ गई, स्कैपुला. ठीक, इट इज नॉट विजिबल, डायग्राम नहीं है विजिबल. ये हमारी क्लेविकल, ब्यूटीफुल डायग्राम इज नॉट विजिबल. जॉइंट है इनके बीच, दिस इज अ जॉइंट. सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है, अनविजिबल नहीं है. व्हाट? इट्स नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नो सर. लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. सर आपका पेज नहीं दिख रहा. वीडियो कॉल हो गई. यस सर, लैग आ रहा है बीच में. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Is it visible now? No, sir. No, sir. My connection is working properly, then why it is not responding?
सर आपकी बीडी भी वर्क नहीं करती है। यस सर। नाउ इज दिस विजिबल टू यू? नो सर। आई थिंक आप विजिबल होगा। नो सर। स्क्रीन भी विजिबल नहीं है या डायग्राम भी विजिबल नहीं है? सर स्क्रीन शेयरिंग ही नहीं है। यस सर। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। नाउ? नो सर। What happened? Just a minute. Let me check once again.
डिस्कस कर रहे थे ऑल अबाउट द हाइंड लिम्ब. ओके, हाइंड लिम्ब में क्लेविकल एंड स्कैपुला, मैंने क्लेविकल और स्कैपुला बताई थी. क्लेविकल इज द कॉलर बोन एंड फीमेल्स में जिसे ब्यूटी बोन कहा जाता है. ओके, सो एज वी कैन सी हेयर दिस इज द स्कैपुला जो ट्राइंगुलर शेप बोन है. दिस ट्राइंगुलर शेप बोन इज कॉल्ड द स्कैपुला एंड अबव इट ऊपर इसके क्या प्रेजेंट है द क्लेविकल. दिस इज द क्लेविकल. ठीक, क्लेविकल जो है ये हमारे चेस्ट वाले रीजन को थोड़ा सा कवर करती है, जो चेस्ट वाला पार्ट है प्लस इसके ऊपर हमारी नेक आ जाती है, गर्दन आ जाती है कुछ इस तरह से. तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बोन है हमारे कॉलर बोन क्यों कही जाती है. जब हम शर्ट पहनते हैं स्पेसिफिकली बॉयज, तो बॉयज में जो कॉलर आता है वो इसी नेक वाले रीजन पे आता है. दैट इज वाई दिस बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन. ठीक, यहाँ पे दिस इज द शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ बीच में शोल्डर ज्वाइंट प्रेजेंट है बिटवीन द स्कैपुलर एंड द क्लेविकल. ठीक, यहाँ क्लेविकल और स्कैपुला के साथ में जो यूमरस कनेक्ट करती है, जब ये यूमरस कनेक्ट करती है सो कनेक्शन बिटवीन द स्कैपुला एंड द यूमरस इज कॉल्ड द शोल्डर ज्वाइंट. ठीक, दैट इज कॉल्ड द शोल्डर ज्वाइंट. सो दिस इज आवर यूमरस. इसका जो अपीयरेंस है थोड़ा थोड़ा फीमर की तरह दिखाई देता है, जैसे हमारे लेग में जो फीमर है फीमर की तरह ये दिखाई देती है. नेक्स्ट इज द एल्बो ज्वाइंट. दिस इज द एल्बो ज्वाइंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना एंड द यूमरस. ठीक, मैंने जैसा कि अभी बताया था रेडियस और अल्ना जो है वो दो अलग अलग बोन्स हैं. सो एज वी कैन सी देखो इनके बीच में गैप है थोड़ा सा. ठीक, इस गैप में मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, यहाँ मसल्स प्रेजेंट रहेंगी. दिस इज द अल्ना एंड द रेडियस इज प्रेजेंट हेयर. ठीक, फिर जो हमारा पाम वाला रीजन आ जाता है, पाम के और जो रेडियस और अल्ना है इसके बीच में कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक, और पाम के जस्ट आगे वाले पार्ट में यहाँ पे फैलेंजेस प्रेजेंट रहेंगी. कार्पल के और फैलेंजेस के बीच में मेटाकार्पल्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब रेडियस एंड अल्ना के बीच में, रेडियस और अल्ना प्लस मेटाकार्पल के बीच कार्पल्स प्रेजेंट हैं, फैलेंजेस और कार्पल्स के बीच में मेटाकार्पल्स प्रेजेंट हैं, जो ये पाम वाला पार्ट बनाते हैं. हमारे हाथ का जो पाम वाला पार्ट है, जो हथेली वाला पार्ट है, ये जो पाम वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ मेटाकार्पल्स. ठीक, मेटाकार्पल्स के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस रीजन में कार्पल्स प्रेजेंट है, और फिर इसके बाद हमारे रेडियस एंड अल्ना स्टार्ट होती है. और ये जो फिंगर्स वाले रीजन है, जो डिजिट्स आ जाती है हमारे फिंगर्स में, ये इस तरीके से जो लाइंस बनी होती है, ये हमारी फैलेंजेस है. दीज आर द फैलेंजेस. ओके, यस सर. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, सो अगर हम नंबर की बात करें तो हमारी क्लेविकल कितनी होती है, क्लेविकल आर टू क्लेविकल, दोनों में मिला के दो स्कैपुला होंगी प्रेजेंट. ठीक, दो क्लेविकल दो स्कैपुला. यहाँ पे एक क्या है, यूमरस है, यूमरस इज वन. दोनों में अगर काउंट करोगे दोनों हाथों में तो दो हो जाएंगी. ठीक, रेडियस एंड अल्ना वन वन, एक रेडियस एक अल्ना. ठीक, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स मेटा कार्पल्स दीज आर एट फाइव एंड फोर. दोनों में काउंट करोगे तो टेन हो जाएंगे, ये सिक्सटीन हो जाएंगे जो कि हमने चार्ट में देखा था, एंड दीज आर एट. ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारे क्या नाम है, जो फैलेंजेस होती हैं, ये फैलेंजेस क्या काम करती हैं, एक हैंड की अगर हम बात करें, ठीक, वन हैंड में 14 और दोनों में मिला के 28 होती हैं. ठीक, तो एक हैंड में कितनी है, इन वन हैंड 14 है और दोनों में काउंट करेंगे तो 28 हम इन्हें काउंट करेंगे. ठीक, यस सर. क्योंकि जब हमने वो फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट में सारी बोन्स हमने मेंशन की थी. ठीक, तो अपेंडिकुलर वाला पार्ट है, टोटल 120 बोन्स कंटेन करता है अपने आप में. ठीक है, 120 बोन्स कंटेन करता है ये लिम्ब वाला पार्ट, सिर्फ लिम्ब वाला पार्ट, क्योंकि सिक्स बोन्स कहाँ प्रेजेंट है, गर्डल वाले पार्ट में प्रेजेंट है. तो टोटल 126 बोन्स हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमने काउंट की थी जब वो फ्लो चार्ट हमने देखा था. ठीक, इज इट क्लियर? यस सर. अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल, जो कि हमारा जो हाइंड लिम्ब वाला पार्ट है. ठीक, we are starting with hind limb, just a minute, hind limb. ठीक, तो hind limb क्या क्या contain करती है, जैसे कि ये जो clavicle and scapula थी, clavicle और scapula को मिलके क्या बनता है, clavicle plus scapula, इन दोनों bones को मिला के हमारी pectoral girdle बनती है. क्या बनती है, pectoral girdle. पेक्टोरल गर्डल इज द रीजन ऑफ शोल्डर, हमारा शोल्डर वाला पार्ट बनता है. ठीक,
और ये हमारा स्टार्टिंग के कुछ रिब्स वाला पार्ट भी कवर करती है। ये जो हमारी स्कैपुला है ये बहुत नीचे तक रहती है, तो जो रिब्स वाला रीजन है स्टार्टिंग की जो कुछ रिब्स है, 1 से 7th रिब वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा रिब वाला रीजन भी कवर किया जाता है। ठीक, अगर हम हाइंड लिम की बात करें तो हाइंड लिम में एक गर्डल आती है, गर्डल आएगी, कौन सी गर्डल आएगी, पेल्विस गर्डल। ठीक, जिसे हम पेल्विस या पेल्विक गर्डल कहते हैं, पेल्विक गर्डल प्लस लिम्ब दोनों मिला के क्या करते हैं, हाइंड लिम्ब बनाते हैं, जो कि हमारा कौन सा वाला रीजन है, लेग वाला, पैर वाला रीजन। ठीक, तो अगर हम गर्डल की बात करें, पेल्विक गर्डल की अगर हम बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, लाइक दिस, इस तरह से ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहेगा। बीच में से यहाँ से ये मुड़ी भी होती है, इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन आता है पीछे से, स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये कॉकिक्स आ जाती है पीछे और सैक्रल आ जाती है पीछे से स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक, बीच में से यहाँ थोड़ा सा गैप प्रेजेंट रहता है इसमें, इस तरह से गैप प्रेजेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बोन्स इसमें नीचे की तरफ इस तरह से निकली हुई होती है, ऐसे ऐसे। ठीक, और यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, ज्वाइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह ये ज्वाइंट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा ज्वाइंट वाला पार्ट है, इस ज्वाइंट वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्रोमियम, क्या कहते हैं, एक्रोमियन। ठीक, एक्रोमियन, एक्रोमियन के अलावा ये इसके, ये जो अपने आप में, ये जो हमारी पेल्विक गर्डल है, ये अपने आप में 3 बोन्स कंटेन करती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, जो इसका अगर हम हाफ करें थोड़ा सा इस तरीके से, एक हाफ करेंगे तो 3 बोन्स इसके पास रहेंगी, 3 बोन्स इसके पास रहेंगी। ठीक, तो एक हाफ के पास क्या प्रेजेंट है, पूरा अपना 3 बोन्स का एक पैक प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं सेट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये जो नीचे वाला रीजन है इसे हम कहते हैं ईशियम, ईशियम बोन है ये, ईशियम। इसके ऊपर आ जाता है हमारा प्यूबिस, दिस इज द प्यूबिस रीजन, एंड सबसे ऊपर वाला जो लार्ज वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इलियम। ठीक है, इलियम, तो 3 बोन्स होंगी, कौन सी, इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम, और एक्रोमियम इज द जॉइंट, या फिर हम कनेक्शन कह सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन द इलियम एंड द प्यूबिस। ओके, यस सर। ठीक, अब क्या होता है, ये जो हमारा एक्रोमियम, ये जो एक्रोमियन है, ये एक्रोमियन जहां पे जॉइंट करता है, जहां पे भी ये जॉइंट करेगा, मान लो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर जॉइंट कर रहा है इसके साथ में, इलियम के साथ में, तो यहाँ पे ये कैविटी कहलाती है ग्लीनॉइड कैविटी, दिस इज कॉल्ड द ग्लीनॉइड कैविटी। ठीक, सो ग्लीनॉइड कनेक्शन इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स। ठीक, जो 2 बोन्स होंगी उनके बीच का जो कनेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लीनॉइड कैविटी बोलेंगे। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हमारी पेल्विक गर्डल है, ये मान लो अगर इस तरीके से पेल्विक गर्डल मैंने बनाई है, पेल्विक गर्डल के साथ में एक बोन प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द फीमर। व्हाट इज दिस, फीमर। ठीक, दिस इज फीमर, फीमर के साथ में सेम टीबिया एंड फ्यूबिला, 2 बोन्स प्रेजेंट रहेंगी, टीबिया एंड फ्यूबिला। इनके बीच में यहाँ पे एक बोन और प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं पटेला, क्या कहते हैं, पटेला। पटेला इज नथिंग बट द नी बोन, दिस इज द नी कैप, जिसे हम नी कैप भी कह सकते हैं, जो हमारा नी कैप होता है, घुटना के जिसे कहा जाता है, दैट इज द नी कैप, ये इसे पटेला, पटेला इज द बोन बिटवीन द फीमर, बिटवीन द फीमर एंड टिबिया एंड फेब्यूला, टिबिया एंड फेब्यूला। ठीक, टिबिया एंड फेब्यूला कहाँ कनेक्ट होते हैं, टार्सल्स में, टार्सल्स कनेक्ट होते हैं मेटाटार्सल्स में, और मेटाटार्सल्स कनेक्ट होते हैं फेलिंजेस में। These are the phalanges, metatarsals, and the tarsals. ठीक, अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहें, सो लेट मी शो यू अ डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम नाउ। So, look at this diagram. Is the diagram visible? Yes, sir. देखो, जैसा कि मैंने ये जो pelvis वाला region है, pelvis वाले region में आपको 3 bones बताई ऊपर, ये 3 bones में हमारे देखो ये pubis आ जाती है, this is pubis,
प्यूबिस के जस्ट नीचे ये एक्सटेंशन इज कॉल्ड द ईशियम, ईशियम के ऊपर ये लार्ज वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड इलियम, ठीक। इलियम के ये पीछे पीछे जो है ये हमारी कॉक्सल बोन्स आ जाती है, ठीक है, जो कॉकिक्स वाला पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पेल्विक का पार्ट नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है हमारा कॉक्सल बोन, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट एसिटाबुलम, देखो एसिटाबुलम क्या है, ये जो एसिटाबुलम है दिस इज द जॉइंट जॉइंट और वी कैन से द कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन फीमर एंड पेल्विस, पेल्विस के और फीमर के बीच के कनेक्शन को क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक। ये यहाँ पे हेड हेड आ जाएगा इसका फीमर का, फिर नेक आ जाएगी, और दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, प्रोक्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द फीमर योर बोन, नेक्स्ट इज द पैटेला जो कि हमारी ये पैटेला नी बोन है, इसको हम नी कैप भी कह सकते हैं, नी कैप, दिस इज द नी कैप, ठीक। फिर आ जाती है फ्यूबुला, देखो पतली वाली क्या है, फ्यूबुला है, एंड लार्ज वाली ये मोटी वाली क्या है, टिबिया है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे टार्सल्स आ जाते हैं, 7 टार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 फैलेंजेस, दोनों में काउंट करोगे ये भी 28 ही होंगे, ये 10 हो जाएंगे और ये 14 हो जाएंगे, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन, टिबिया एंड फिबुला एक एक होगी दोनों पैरों में, मतलब कि दो हो गई टोटल, 1 टिबिया होगी एंड 1 फिबुला होगी, ये हम ऑलरेडी चार्ट में मेंशन कर चुके हैं, एक फीमर हमारे एक पैर में, दूसरी दूसरे पैर में, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे ओनली 1, ओके। देखो डायग्राम को एक बार, पूछना है कुछ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें जॉइंट वाला पार्ट कवर करना है कि ये जितने जॉइंट्स हैं सब अलग अलग तरह के जॉइंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स, आफ्टर द डिसऑर्डर्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। We are going to talk about the joints. अब देखो अगर हम joints की बात करें तो ये जो bones आपस में connect रहती हैं, जो दो bones आपस में connect रहेंगी, उस connection को हम joint कहते हैं। जैसे कि मान लो एक bone ये है, this is a bone, ठीक है, तो ये दूसरी bone से connected है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये connected है, that is a joint, ठीक है। अब ये joint अलग अलग तरह के होते हैं, हमारे पूरे skeleton system में there is 3 type of joints we have. How many type of joints? 3 type of joints are there. First is called the fibrous joints. Second is called cartilaginous. And the third is called synovial. That is called synovial. ठीक, fibrous से नाम से पता चल रहा है किससे बना है, ये fiber से बना हुआ है. So which type of tissues are there? Fibrous connective tissues are there. Okay, there is fibrous connective tissue. These are made of fibrous connective tissues, ठीक। और normally अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो normal fibers अगर हम देखें, direct भी लिख सकते हैं हम, अगर हम normal fibers की बात करें, जो fibers यहाँ connect रहते हैं वो रहते हैं collagen fibers, ठीक। कौन से fibers होंगे? Collagen fibers, collagen fibers are there. So अगर हम diagram consider करें तो ये हमारी पहली bone हो गई, मान लो ये हमारी first bone है और ये दूसरी बोन है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ फाइबर्स से बना हुआ कनेक्शन रहेगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये जो फाइबरस जॉइंट्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सूचर्स में, कहाँ मिलते हैं? सूचर्स में, सूचर्स ऑफ क्रैनियम। सूचर्स क्या होते हैं, अभी ये देखो सूचर्स, अगर आप हमारा जो बोन देखेंगे कौन सा वाला, क्रैनियल बोन्स देखेंगे, ये हमारी आईज आ जाती है, ठीक, ये नोज आ जाएगी, ये हमारे टीथ आ जाएंगे इस तरह से, ठीक। ह्यूमन स्केलेटन कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्रैनियल वाला रीजन है, जो क्रैनियल बोन्स होती हैं, इनमें बीच बीच में इस तरीके से लाइनें होती हैं, देखिए इस तरह से, yes, sir. ऐसे ऐसे, ये क्या होते हैं, ये ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है, सूचर्स कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, सूचर्स। इसके अलावा, सूचर्स के अलावा ये कहाँ मिलते हैं, ये टिश्यूज मिलते हैं हमें बिटवीन टीथ एंड सॉकेट। जो दांत होता है, दांत का सॉकेट होता है ना, सॉकेट बोले तो लाइक दिस, अगर ये हमारा गम है तो इसके ऊपर इस तरीके से दांत प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये पूरा सॉकेट है नीचे की तरफ, ये जो इसको गड़ा के रखता है दांत को, ठीक है, गम के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द
सॉकेट. तो यहाँ पे भी कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? फाइब्रस टिश्यूज आर प्रेजेंट. ओके यस सर. नेक्स्ट इज द कार्टिलेजिनस. ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है किससे बने होंगे ये. कार्टिलेज. दीज आर मेड ऑफ कार्टिलेज. सो अगर हम कंसीडर करें ये हमारी फर्स्ट बोन हो गई, ये हमारी सेकेंड बोन हो गई. इन दोनों के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है ये? इन दोनों के बीच में दीज आर कार्टिलेज. कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट. ठीक. और ये देखो ये जो हमारे ये जो कोलाजन फाइबर से मिलके जितने जॉइंट्स बने होते हैं ये मूव नहीं कर सकते. कैसे होते हैं ये? इमूवेबल होते हैं. ये जैसे कि हमारी क्रैनियम कभी मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है. दीज आर इमूवेबल. कैसे हैं ये? इमूवेबल. ये मूव नहीं कर सकते लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं. दीज आर स्लाइटली मूवेबल. ये स्लाइटली मूवेबल है. ठीक. तो ये जैसे ये मिलते कहाँ है? जैसे कि अगर हम बात करें अपने पेल्विक गर्डल की. पेल्विक गर्डल. तो पेल्विक गर्डल मूव कर सकती है. ठीक. पेल्विक गर्डल मूव कर सकती है. जो कि हमारा जो वेंट्रल कैविटी है, पीछे वाली जो कैविटी है, वेंट्रल कैविटी में जो कॉकिक्स रीजन आ जाता है जहां पे पेल्विक गर्डल कनेक्ट करती है, जो कि अभी हमने पीछे देखा भी था. कौन सा वाला रीजन? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. ये वाला जो रीजन है जहां पे पेल्विक गर्डल और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्या कर रहे हैं? देखो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं. सो दिस रीजन. तो यहां से हम बेंड करते हैं जब खुद को अपने, अगर हम टो छुएंगे, पैर छुएंगे तो हम बेंड करते हैं अपने आप को. जब हम बेंड करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मूव किया जा सकता है. तो कॉकिक्स रीजन क्या है यहाँ पे? ये जो हमारा रीजन है पेल्विक गर्डल वाला, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेंड करता है. ठीक है. तो दीज आर स्लाइटली मूवेबल. थोड़ा थोड़ा मूव कर सकती है, प्रॉपरली मूव नहीं कर सकती. ठीक. लास्ट आते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं मूवेबल. दीज आर मूवेबल. मूवेबल मतलब कि ये फ्रीली मूवेबल है. बहुत अच्छी तरीके से मूव करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से. जैसे आपका हाथ है, हाथ मूव कर रहा है ना, पैर भी मूव कर रहा है. तो ये सारे जॉइंट्स क्या है? हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द साइनोवियल जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. साइनोवियल जॉइंट्स, अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 type of bone joints are there. The first joint are called pivot joints. पहले वाले joints को क्या कहा जाता है? पहले आते हैं हमारे pivot joints. ठीक. दूसरे आते हैं hinge joints. Hinge. ठीक. दूसरे आते हैं gliding joints. थर्ड आते हैं saddle joints. और फोर्थ आते हैं हमारे कॉन्डाइल या फिर कॉन्डिलॉइड. ठीक. कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स. अब देखो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स तो हमने पहले भी पढ़े थे जब मैंने आपको एटलस और एक्सिस बताया था. जो हमारा यस वाला और नो वाला जो मूवमेंट होता है वो कौन करवाता है? ये कॉन्डाइल्स करवाते हैं. ठीक है. तो ये इनको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमने क्रैनियल बोन्स पढ़ी थी तो क्रैनियल बोन्स में हमारा जो पीछे वाला रीजन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जब कनेक्ट करती है. देखो अगर हम इस तरीके से बनाए इसको, ये हमारा नाक हो गई, मुंह हो गया. ठीक है. ये पूरा सिर हो गया. ठीक है. तो ये हमारी क्रैनियम बोन्स अगर हम देखें इस तरह से थोड़ा सा. ठीक. तो ये पीछे वाला जो रीजन आता है, इस वाले रीजन को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल रीजन या फिर यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होती है. और इसी ऑक्सीपिटल बोन से नीचे क्या कनेक्ट रहती है? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहती है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट C1 और C2 है, जिन्हें हम एटलस और एक्सिस कहते हैं. ये दो बोन्स जिन्हें एटलस और एक्सिस कहा जाता है, ये हमारे यस और नो मूवमेंट्स को कंडक्ट करवाती हैं, जो कि कॉन्डाइल्स हैं. इसीलिए हमारे स्कल को क्या कहा जाता है? डाई कॉन्डाइल. दो कॉन्डाइल स्टार्टिंग में प्रेजेंट है जो मूवमेंट करवाते हैं. और इनके बीच में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोरामन मैग्नम. इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट इफ यू रिमेम्बर. ओके. हाँ. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो C1 और C2 के अलावा ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? कॉन्डाइल. हमारे कॉन्डिलाइट जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट? बिटवीन मेटाकार्पल्स. Between metacarpals and phalanges. Phalanges के और metacarpals के बीच में भी कौन से joints होते हैं? Condyloid joints होते हैं. और इसके अलावा हमारे C1 और C2 जो कि atlas और axis है, वहां पे भी ये present रहेंगे. ठीक. अगर हम pivot joints की बात करें, ठीक, ये क्या काम करवाते हैं? ये actual में जो हमारा जो right और left movement होता है, जिसे हम no movement भी कह सकते हैं,
गर्दन का, ये वो करवाने में मदद करते हैं। इसे हम कह सकते हैं जो रोटेशन है, इट प्रोवाइड रोटेशन। एक तो ये रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम अपनी गर्दन ऐसे और ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गर्दन घुमाने की जो रोटेशन हमें मिल रही है नेक की, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? पाइवट जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। सो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन रेडियस, एक तो ये रेडियस में और अल्ना के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, रेडियस और अल्ना में, और दूसरा ये एटलस और एक्सिस के बीच में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, एटलस में और एक्सिस में। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम हाइंड जॉइंट्स पे। हाइंड जॉइंट्स आर द वन प्लेन मूवमेंट, मतलब कि एक ही मूवमेंट कर सकता है एक ही टाइम में। वन प्लेन मूवमेंट का मतलब जैसे कि आपकी नी होती है, नी बोले तो घुटना, ये आपकी फीमर हो गई, ये फीमर मान लो, ये हमारा नी हो गया और नीचे टिबिया एंड फिब्यूला है। तो ये जो नी है, अगर हम देखेंगे अपने पैर को, हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, यही तो कर सकते हैं पैर को, और किसी मूवमेंट में तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते। तो जो वन मूवमेंट होगा, सिर्फ एक ही तरह की जो रोटेशन होगी, वो कौन से जॉइंट्स करवाएंगे? हाइंड जॉइंट्स करवाएंगे, ठीक। इसमें कौन सा जॉइंट आ जाता है? हमारा नी जॉइंट आ जाता है, नी जॉइंट, ठीक। इसके अलावा और कहां कहां एक ही तरह का मूवमेंट है? जैसे हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां बोले तो फेलिंजेस एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, कभी फेलिंजेस हमारी, जैसे ये फेलिंजेस हैं उंगलियां, तो इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, है ना, फोल्ड कर सकते हैं। क्या ये दूसरी डायरेक्शन में फोल्ड कर सकेंगी? नहीं कर सकती, ठीक। तो यहाँ पे हमारी फेलिंजेस आ जाएंगी, फेलिंजेस के बीच में ये जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पे हमारी नी वाला पार्ट कवर कर रहा है, और अगर फोर लिम की बात करें तो फोर लिम में हमारा जो एल्बो वाला पार्ट है, एल्बो कोहनी, एल्बो में भी कौन से जॉइंट होंगे? हाइंड जॉइंट्स होंगे, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। द नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देखो ये सबसे सिंपल जॉइंट है हमारी बॉडी के, दीज आर द सिंपलेस्ट जॉइंट्स, इन्हें हम लिख सकते हैं क्या? सिंपलेस्ट जॉइंट्स, दीज आर द सिंपलेस्ट जॉइंट्स, ठीक। और ये कहां प्रेजेंट रहते हैं? दीज आर प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, मतलब कि जो फोर लिम के कार्पल्स में और हाइंड लिम के टार्सल्स में ये प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा जो रिस्ट वाला रीजन है, रिस्ट जहां पे हम घड़ी पहनते हैं, है ना, हाथ में, वहां प्रेजेंट रहेंगे, और पैर में जहां पे जो गर्ल्स हैं वो पायल पहनती हैं, ठीक है, उस रीजन में ये प्रेजेंट रहेंगे, मतलब टार्सल्स में और कार्पल्स में। इसके अलावा आते हैं हमारे सैडल जॉइंट्स, ठीक। सैडल जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मेटा कार्पल्स एंड द मेटा टार्सल्स, ठीक। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द, हम देख सकते हैं इसको, एक तो ये कार्पल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स में एंड मेटा कार्पल्स ऑफ थंब बोले तो अंगूठा, ठीक। अंगूठे की जो मेटा कार्पल्स और कार्पल्स होती हैं, उनमें कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट है, वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीपिटल रीजन है, यहाँ पे तो यस का मूवमेंट होगा, यहाँ पे गर्दन यस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी, और पाइवेट जॉइंट्स में नो की तरफ मूवमेंट होगा, एटलस और एक्सिस दोनों में इन्वॉल्व होंगी, कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स में भी इन्वॉल्व होंगी और पाइवेट जॉइंट्स में भी इन्वॉल्व होंगी, ठीक। अगर वो कॉन्डेलॉइड जॉइंट में इन्वॉल्व हो रही है तो हमारी गर्दन का यस मूवमेंट फॉलो करवाएंगी, और अगर पाइवेट जॉइंट्स में तो नो मूवमेंट, ठीक, राइट एंड लेफ्ट रोटेशन गर्दन की, ठीक। यस सर। कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Is there any question, anyone? No, sir. Okay. So, अब हम देखते हैं एक joint का structure कैसा होता है. How does a joint look like? Okay. या normally जो हमारे synovial joints हैं, जो synovial joints सबसे ज़्यादा present हैं, तो उसका हम structure देखेंगे, दो bones के बीच में कैसे रहता है. ठीक. लिख लेते हैं heading synovial. Joint, synovial joint. Okay. So I am drawing here a joint like this. Just a minute. ये हमारी पहली bone है,
एक बोन ये है ठीक, और दूसरी वाली बोन ये है, दो बोन्स हैं। इन दोनों बोन्स के बीच में जो भी जॉइंट बनता है वो जॉइंट्स बनते हैं हमारी कवरिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे बनती है, एक मान लो एक कवरिंग ये आ रही है, आउटर लेयर ये आ रही है जॉइंट की, इस तरह से ये हमारे एक जॉइंट की कवरिंग आ रही है लाइक दिस फर्स्ट वन। दूसरी वाली किस तरह से प्रेजेंट रहेगी, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट लाइक दिस, ये पूरा एरिया कवर करेगी, ये वाला एरिया भी कवर कर रही है, ये बीच वाला एरिया भी कवर करेगी इसके ऊपर, ठीक। फिर ऊपर से ये वाला एरिया कवर करेगी एंड देन इस पूरी बोन को भी कवर करेगी, मतलब चारों तरफ से दोनों बोन्स को अटैच रखती है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड ठीक, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। और बोन के ऊपर, ये जो बोन थी हमारी, इस बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज। कार्टिलेज को मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूं, इसके ऊपर एक कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है जिसे हम आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहते हैं, इस तरह से जो मैंने व्हाइट वाला बनाया है दिस इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस तरह से, ओके समथिंग लाइक दिस। So what is this? This is articular cartilage. Take articular cartilage. This is bone one. This is bone two. Okay. इसमें जो मैंने ये red वाला part बनाया है, this right जो red वाला part है, जो red वाली हमारी joint की membrane है, this is the synovial membrane. जिसे हम कहते हैं क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अलावा ये जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, दिस इज साइनोवियल फ्लूइड, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने ये वाली जो लेयर बनाई थी ऊपर सबसे बाहर वाली व्हाइट वाली, दिस इज कॉल्ड द लिगामेंट। What is this? Ligament. ठीक, this is called ligament. Is that clear everyone? Yes sir. So this is a joint. ठीक, जो synovial joints हैं, ये अभी हमने पीछे देखे हैं, ये वाले जो हमने जितने भी joints देखे हैं, ये सारे joints का structure same होता है, जो ये structure हम लोगों ने बनाया है, फिर चाहे वो सैडल जॉइंट हो, कॉन्डिलॉइड जॉइंट हो, पाइवेट जॉइंट हो, हाइंड जॉइंट्स हो, सॉकेट जॉइंट्स हो, कैसे भी जॉइंट्स हो, ठीक। यस सर, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, ठीक। अब आते हैं हम अपने डिसऑर्डर वाले पार्ट पे, ठीक। हमारे जो मस्कुलर सिस्टम और जो स्केलेटल सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, और आज ये चैप्टर आपका आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। पहले हम इस चैप्टर के PYQs करेंगे, कल सब लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना, जितना भी मैंने बताया है सब कुछ। कल मैं क्वेश्चंस करूंगा, और क्वेश्चंस करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ओके। और क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी। यस सर, yes sir. So the first disorder which we are talking about is called myasthenia gravis. What is myasthenia gravis? ये एक तरह की autoimmune disease है। क्या है ये? autoimmune disease। अब देखो ऑटोइम्यून डिसीज क्या होती है, ऑटोइम्यून डिसीज ऐसी डिसीज होती है जिसमें हमारी बॉडी हम ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, मतलब हमारी बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देगी, अपने हमारी बॉडी के जो फंक्शन से वो ऑटोमेटिकली लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहोगे सर कुछ नया क्या बता रहे हो, उसमें सारी डिसीज में ये होता है बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, है ना। अब बॉडी की जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं उसमें तो फंक्शन खत्म, मतलब की जो अलग होंगे नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक, और बाद में सही भी हो जाएंगे। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स,
जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर देंगी, वो सेल्स खाना शुरू कर देंगी जो कि नॉर्मल है, या फिर उनको इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगी, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ठीक, इससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में पैरालाइज करवा देती है, पैरालाइजेशन कंडीशन लेके आती है, जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक, माइस्थीनिया ग्रेविस में तो बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, मतलब जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सब पैरालाइज हो जाएंगी, स्केलेटल मसल्स क्या हो जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लकवा मार जाता है। ठीक है, इसके अलावा द नेक्स्ट डिसीज इज कॉल्ड द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि मसल से रिलेटेड ही है। द सेकेंड इज कॉल्ड द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, जब हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। दिस इज द डी जनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारी मसल्स हैं, जो मसल फाइबर्स हैं, वो मसल फाइबर्स अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग ना करके खत्म होना शुरू कर देंगे, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज कॉल्ड द टिटैनी, नेक्स्ट इज टिटैनी। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी कि जो लोहा वगैरह लग जाता है उससे टिटनस फैलता है ना। टिटनस फैलने का मतलब क्या है, जो हमारा जो कंडीशन आती है टिटैनी की कंडीशन, वो उसी वजह से आती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों, क्योंकि मसल्स में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो जिसमें मसल्स रिलैक्स होना बंद कर देंगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो होंगी लेकिन नो रिलैक्सेशन, रिलैक्स नहीं होंगी, नो रिलैक्सेशन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड टिटेनी। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक, एक और कंडीशन आती है जो हमारी बोन से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो से मतलब क्या है, बोन, बोन। ठीक है, बोन। पोरोसिस से मतलब पोर, पोर का मतलब क्या होता है, होल, एक छेद। तो हमारी बोन्स में क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस लाइक ये हमारी बोन है। ठीक है, ये बोन है, तो इस बोन में छोटे 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 होल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएगी बोन। कैसी हो जाएगी, स्पंजी, जैसे स्पंज होता है, स्पंज की तरह दिखाई देगी। ठीक, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ कंडीशन इज कॉल्ड गॉट, गॉट। ठीक, गॉट में क्या होता है, क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जितने जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स, इन सब में यूरिक एसिड, यूरिक एसिड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जैसे ही यूरिक एसिड स्टोर होगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आपके जो जॉइंट्स होंगे उनमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये स्पेसिफिकली ये कंडीशन कहाँ आती है, ये कंडीशन आती है हमारे नी कैप में। कहाँ पे आती है, नी कैप में। आपने सुना होगा जो बुढ़े लोग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दैट कंडीशन इज द गॉट कंडीशन, जिसमें हमारे जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे दर्द होता है। ठीक, यस सर, यस सर। ओके, सो आई थिंक ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अपार्ट फ्रॉम एक टर्म और हम देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, मतलब कि बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं सब में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीकनिंग लगेगी बॉडी में, वीकनेस लगेगी। ठीक है, जॉइंट्स दर्द करेंगे जितने भी हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द आर्थराइटिस। ओके, यस सर, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर। Yes. देखो इन सब चीजों को एक बार मैं स्लाइड्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्रीवियस स्लाइड, जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करो, और उसके बाद हम ये चैप्टर वैसे ओवर हो चुका है, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस देखो कुछ क्वेश्चन करना है तो करो, एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर हैज बीन ओवर। आप जो 12th के चैप्टर्स हैं वो पहले करवा सकते हो? यस,
सर क्योंकि हमारे अभी सेकंड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, तो अगर आप वो पहले करवा दोगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। कौन सा चैप्टर? सर सेकंड टर्म में हमें जैसे कि प्लस टू के 8th, 10th, 11th, 12th, 13th और 15th चैप्टर आएंगे। ओके ओके, मींस फिजियोलॉजी, पूरा फिजियोलॉजी आ रहा है वैसे। हाँ ठीक है ठीक है, ये चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट, डोंट वरी अबाउट दैट। I will discuss to ma'am and after that we will start from tomorrow. Okay? Okay, sir. Thank you. Yeah. So anyone has any problem regarding all these terms? No, sir. ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके जाता हूँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर लेके आना। जैसे हम लोग जब मूवी देखते हैं तो मूवी हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ ही दिन में हम भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन का लेके आना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है? ओके सो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए सेशन में। ठीक, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। टेक केयर सर। टेक केयर सर।